अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, पार्लर से ट्रीटमेंट करवा करवा कर आपने अपने बालों का बुरा हाल कर लिया है, या आपने ग्रे कवरेज करवा करवा कर अपने बालों की कुदरती शाइन ख़त्म कर ली है और आप अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाने का सोच रही हैं, अगर मैं कहूं कि आप सेम रिजल्ट्स के साथ घर पर ट्रीटमेंट कर सकती हैं, वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है जो आपके बालों को हेल्दी बनाता है, ग्लॉसी बनाता है। ये आपके बालों को कोई नुकसान नहीं देता, बस मिनिमम डैमेज देता है। अगर सैलून वाली सही प्रोडक्ट यूज़ ना करे या फिर नकली प्रोडक्ट यूज़ करे, तभी वो आपके बालों को नुकसान देता है। हमारे जो बाल हैं, चाहे वो सर के हैं, आई लैशेज के हैं, बियर्ड के हैं, ये सब केराटिन से ही बने होते हैं और हम आर्टिफिशियल तरीके से इसमें केराटिन इन्फ्यूज़ करते हैं। केराटिन करवा तो हर कोई लेता है, पर इसके बाद के जो खर्चे होते हैं वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप एक आर्टिफिशियल लेयर लगवाते हैं अपने बालों पे, उसको मेंटेन करने के बहुत से खर्चे होते हैं। आपको महंगा सा शैम्पू लेना पड़ता है, हर महीने उसको दोबारा से रिस्पेंड करना पड़ता है, उतने की केराटिन होती नहीं है, इससे ज़्यादा इस पर प्रोडक्ट्स लग जाते हैं। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो ही केराटिन ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, वरना घर पर ही नेचुरल तरीके से कर लो। आज जो हमने बनाया है, ये है हमारा होम केराटिन ट्रीटमेंट। इससे आप घर पर ही वही रिज़ल्ट अचीव कर सकती हैं। इस केराटिन ट्रीटमेंट के लिए आपको टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक बाउल चाहिए आपको, जिसमें के सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, और एक एप्लीकेशन ब्रश। आप कोई भी नॉर्मल सा डाई ब्रश ले सकती हैं, 40-50 रुपए का आराम से मिल जाता है। सबसे पहले हम कोई भी कंडीशनर लेंगे। मेरे पास हर्बल एसेंस का कंडीशनर है, आपके पास BC प्लस क्यूने या जिस भी कंपनी का है आप वो यूज़ कर सकती हैं। बालों की लेंथ के हिसाब से मैं इस बाउल में निकाल लूँगी। दूसरे नंबर पर है पेट्रोलियम जेली, ये आपके बालों को स्मूथ बनाएगी, शाइनी बनाएगी, दो शाखा बालों को रिपेयर करेगी, स्कैल्प से डैंड्रफ को दूर करने का काम करेगी और बालों को स्ट्रेट भी करेगी। आधा चम्मच हम इसका ऐड कर देंगे। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर पेट्रोलियम जेली का ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे दही। दही जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे हेयर्स के लिए। हमारे बालों की कोई भी मेजर प्रॉब्लम हो, दही इसको रिपेयर करने का काम करता है। ड्राइनेस हो या डैंड्रफ हो, इचिंग हो रही है, फ्लेक्स जो होते हैं वाइट वो बहुत बुरे लगते हैं, दही उसको हटाने की ताकत रखता है। दही आपने बगैर पानी के लेना है, 2 चम्मच भरकर दही के डालेंगे। 4th इंग्रेडिएंट है मिल्क। ये हमारे बालों से ड्राइनेस और फ्रीजनेस को बिल्कुल दूर कर देता है, बालों का जो रूखापन है उसको दूर करेगा। 2 चम्मच हम दूध के ऐड कर लेंगे। लास्ट इंग्रेडिएंट है लेमन जूस। लेमन जूस हमारे बालों में कुदरती शाइन लाता है, हमारे बालों को स्ट्रेट करने में मदद देता है और बालों से हर तरह के बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करता है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। मिक्सिंग पर आपने ज़्यादा टाइम देना है ताकि हर चीज़ प्रॉपर मिक्स हो जाए और कोई भी चीज़ अलग अलग पड़ी नज़र ना आए, जब हम एप्लीकेशन करें तो अच्छे से हो सके। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है, उम्मीद है आपको थोड़ी सी तो पसंद आई होगी। आप चाहें तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए रेगुलरली अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ एक नोटिफिकेशन बेल भी होगी, उसको ज़रूर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देख सकती हैं कि मैंने इन चीज़ों को मिक्स करने में काफ़ी टाइम लगाया है। जितना अच्छा ये ब्लेंड होगा, रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा और बराबर आएगा। अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जो हमने पेट्रोलियम जेली ऐड की है इसके अंदर, वो ज़्यादा देर से मिक्स होती है, जल्दी मिक्स नहीं होती। हमारा होममेड केराटिन मास्क रेडी हो चुका है। अब बारी आती है एप्लीकेशन की। बालों की पार्टीशन कर लेंगे। इस तरीके से आपने बालों की पार्टीशन करनी है, 4 हिस्सों में इनको तकसीम कर लेंगे और कैचर लगा लेंगे, और फिर हम थोड़े थोड़े बाल लेते जाएंगे और अपना मास्क उस पर अप्लाई करते जाएंगे। इस तरह से आपने बराबर बराबर बाल लेने हैं, और जैसे हम केराटिन अप्लाई करते हैं उसी तरीके से आपने अपना ये वाला मास्क अप्लाई करना है। बालों को साथ साथ कॉम करते रहेंगे ताकि बाल जुड़े ना रह जाएं। इससे हमारा मास्क ठीक से सारे बालों में लग जाएगा। इस तरह से थोड़े थोड़े बाल लेकर अप्लाई करते जाएंगे और हाथों से ब्लेंड करते जाएंगे ताकि कोई भी बाल ड्राई ना रह जाए। अब मैं जल्दी से सारे बालों पर मास्क अप्लाई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बताती हूँ।
आप इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई कर लिया करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका घर पर ही केराटिन ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और हेयर स्पा भी हो जाएगा, आपके बाल तो अच्छे हो ही जाएंगे और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। और इसमें प्रिकॉशंस भी नहीं है कि सर सीधा रखना है, ये वाला शैम्पू यूज़ करना है, वो वाला मास्क यूज़ करना है। आपके बाल नेचुरली शाइनी रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। एक दफ़ा आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखें। इसमें हमने कंडीशनर ऐड किया है। अगर तो आपने हर्बल कंडीशनर ऐड किया है तो आप रूट्स में भी लगा सकती हैं। अगर आपने कोई हार्ड कंडीशनर लगाया है जैसे कि क्यूने का, तो रूट्स में बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, आधा इंच बाल छोड़कर लेंथ तक अप्लाई करें, क्योंकि कंडीशनर जो है वो कभी भी हम रूट्स में नहीं लगा सकते, उसको हम लेंथ पर ही लगाते हैं। इस तरह से आपने सारे बालों में एप्लीकेशन कर लेनी है, थोड़े थोड़े बाल लेकर आपने एप्लीकेशन करनी है ताकि हर एक एक बाल में ये हमारा जो मास्क है वो अप्लाई हो जाए, कोई भी बाल खाली ना रह जाए। सारे बालों में अप्लाई करने के बाद आपने बालों को बांध लेना है और शावर कैप लगा लेनी है। शावर कैप या आप कोई शॉपर भी लगा सकती हैं अगर आपके पास शावर कैप नहीं है, उससे ये होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। इसको आपने 45 मिनट या एक घंटे बाद वॉश करना है। आपने अपने किसी भी रेगुलर अच्छे वाले शैम्पू के साथ आपने इसको वॉश करना है। तकरीबन एक घंटे के बाद मैंने बालों को वॉश करवा लिया था तो ये वाला रिज़ल्ट आया है। बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। मास्क अप्लाई करने से पहले भी आपने बालों की कंडीशन देखी थी कि बाल बहुत रूखे और बेजान हुए हुए थे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।